यार यार झंडा उतारना है। 14 अगस्त गुजरे, काफ़ी टाइम हो गया है और लोग अब इतराज़ कर रहे हैं कि यार अभी क्यों लगाया हुआ है झंडा अब तक। खैर मैंने तो लगाया हुआ था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोटरसाइकिल पे लगा हुआ है। लेकिन उस दिन क्या सीन हुआ है कि किसी बच्चे शच्चे ने मेरे ख्याल से झंडा खींचा है और ये यहाँ से झंडा फट गया है, ठीक है। और अब चलते चलते ना ये सारा झंडा जो है ना इधर से नीचे आ जाता है इस तरह, ठीक है, और सारा झंडा इस तरह इकट्ठा हो जाता है, सारा झंडा इस तरह ना नीचे इकट्ठा हो जाता है। और फिर ये ख़तरनाक है कि ये टायर शायर में और कहीं पे फंस सकता है टायर वगैरह में। और ये किसी ने खींचा है या फटा है या क्या सीन, अब समझ में नहीं आ रही मुझे। लेकिन खैर आज इसको उतारते यार, रेंच ले आए पहले इसकी, ये घिरा खोल के झंडा उतारते डंडे से, ठीक है, पाकिस्तान को हम डंडे से उतार लेते, ठीक, पहले पाकिस्तान को डंडे से उतारते, फिर ये पाकिस्तान हमारा जो है ना डंडे से उतर आया है, ठीक है। और ये माशाल्लाह गंदा भी बहुत हो गया, ये गंदा भी बहुत हो गया। खैर इसको धोएंगे, पाकिस्तान पूरे को धोएंगे आज। इस तरह रेंच डालने में मुश्किल होगी, ठीक है। इसको हम करते हैं कि इसको पीछे की तरफ खींचते हैं डंडे को, लेवल है ना तो वो नीचे आ जाएगा। देखें वो हमारा नीचे आ गया, नेट ऐसा से खुल गया, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देख रहे हैं, ये नेट ढीला हो गया। अब रेंच आराम से इधर डल जाएगा, रेंच से ये आराम से ग्रिप पकड़ी जाएगी। चलो जी, चलो जी, ये हमारा लादा हो गया डंडा। अभी पेज स्टार्ट करें, इसको पेज बड़े आराम से टाइट करना ताकि चूड़ी जो है ना वो सीधी चढ़े। उल्टी चूड़ी चढ़ गई ना तो बस फिर मसला पड़ जाएगा, एक्सेल चेंज करना पड़ जाएगा सारा। अब जो ये डंडा है ये अगली 14 अगस्त पे काम आएगा। तो खैर हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार ये कुछ ज़्यादा शेखर। खैर झंडा हमने उतार दिया था भाई का, अभी सुबह के तकरीबन 10:30 हो रहे हैं, ठीक है। और अभी का प्लान ऐसा है कि अभी जाना मैंने इसका काम करवाने के लिए अपने बाइक का, ठीक है। ये रावी प्याजू भी आए थे यासिर भाई के इधर, इसका भी कोई मसला है, ये बस ये कि स्टार्ट हो जाता है लेकिन 2 RPM से ऊपर जब लेकर जाते तो ये बंद हो जाता है। अब इसका पता नहीं क्या मसला है। खैर अपने बाइक के जो इश्यूज़ हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे, ठीक है, ट्यूनिंग के, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई थी। ट्यूनिंग के बाद कुछ इश्यूज आ गए थे, उसकी वीडियो भी मैं लिंक साइड पे लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि क्या इश्यूज थे। तो आज जाके वो रिजॉल्व करते, पहले जाते उसी मैकेनिक के पास जिससे मैंने ट्यूनिंग करवाई थी, ठीक है, देखते उस वो क्या कहता है, क्या कहता है। अगर वो मसले रिजॉल्व कर लेता और काम हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। अभी देखो बिल्कुल लाइट शो ही नहीं कर रहा, सेल्फ बिल्कुल नहीं उठा रहा, बैटरी बिल्कुल बंद है, बहुत ही गंदे, यार धुलवा ही लेंगे इसको। और ये देख बिल्कुल नहीं, अब ये किक पे स्टार्ट होगा। गर्मी बहुत है और धूल मिट्टी भी बहुत है इधर तो। बादल आए में तो हैं लेकिन देखें, अल्लाह करे कोई साया शाया हो जाए, कोई बारिश वारिश हो जाए इधर। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक भाई, बड़ी अच्छी आपने उसे मेरी ट्यूनिंग की यार, यकीन मानो। क्या हो गया? 500 आवाज़ें मोटरसाइकिल से निकली हैं, सुबह सलाह पे स्टार्ट नहीं हुआ, बैटरी बार बार ड्रेन हो रही है। अच्छा, और शॉक जो है वो बार बार वो हल्की सी जंप पे लगे तो ची ची आवाज़ कर रहा है। मैं कोई यार ये क्या ट्यूनिंग कराई मैंने, क्या की है यार, मैंने और तो कुछ भी नहीं छेड़ा क्या, मैं क्या कह सकता हूँ, इंजन वो आवाज़ वही वो पटाखों की आवाज़ आ रही है सिलेंसर से। आओ जी, वालेकुम सलाम, क्या है यार, तुम कैसे मैकेनिक हो यार, तुमने भाई का काम कर कर ये पहले से भी ज़्यादा रह गए। ओ बैटरी फायर है क्या लगे बंदे, क्यों बस खत्म हो गई है ना, मार ये रहा मुड़ा, अभी साल भी नहीं हुआ इसको लिए गए, पानी पानी डाला नहीं। उस दिन मैंने इसको बोला था कि पानी डाल के बैटरी चेक कर ले। उस दिन बोला तो उसी दिन मैं ट्यूनिंग कराने आया था, तो हर हफ्ते पानी डालना होता है।
से गाड़ी में डालते हैं। मैं बता दो रहा हूँ, तू पानी सब पूरा करना, अल्लाह खैर करेगा, अभी मेरी किस्मत। ये हवा की वजह से आवाज आ रही सारी। हाँ, डीजल ही मरवा दो। अच्छा, डीजल नहीं। कल में ये जब नीचे होते तो एयर बनाते हैं ना, तो एयर लॉक हो जाता सारा। एयर लॉक हो जाता है। अब ये चुस करके ना बाहर निकलेगी और बात बात। चलो यार, धूप बहुत तेज है, ठीक है। खैर, बाकी शौक वगैरह का और बाकी सारा मसला तो हल हो गया, वो खाली एयर लॉक हो रहा था, ठीक है, तो वो उससे सेट कर दिए। बाकी मसला इसकी बैटरी का है, अभी बैटरी इसकी चेंज करवानी है हमने। वो कह रहा है कि बैटरी इसकी बिल्कुल फ़र्क है, या तो ड्राई बैटरी डलवा लो या देख लो। तो एक दफ़ा इस बैटरी में पानी शानी पूरा करके इसको चार्ज करते, ठीक है, चल गई तो वेल एंड गुड, नहीं चली तो फिर ड्राई बैटरी का कोई मनसूबा बनाएंगे लेने का और वो डलवाएंगे इसमें। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do it. यार अभी टाइम हो गया 5 बजे का, ठीक है, और अभी मैं जिम जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों जिम जाते हुए हमेशा थकन थकन सी महसूस हो रही होती है, पता नहीं, लेकिन यकीन मानो बिल्कुल बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा जाने का, यकीन मानो। खैर फिर भी जा रहे हैं, और इसकी यार मेरे जिम के साथ है बैटरी वाला, ठीक है, तो इसकी बैटरी भी खोल के उसको दूंगा, वो चार्ज कर लेगा जब तक मैं जिम में होगा, घंटा दो घंटे वो इसकी बैटरी चार्ज कर लेगा। खैर भाई जी, खुद ही बैटरी खोलनी पड़ गई है, हाथ भी सारे गंदे हो गए शायद, लेकिन अभी ये कि बैटरी ठीक है, जो भाई ने चेक की है, तो इसको पानी डलवाते और चार्जिंग लगवाते बस। यार खैर, बैटरी खोल के खुद ही उसका पानी शानी पूरा करके अली भाई को दिए, अली भाई चार्जिंग पे लगा देंगे, तो उनके पास है चार्जर, तो यामा वाले के पास यार चार्जर नहीं था, ठीक है, वो कहते उसका चार्जर कोई लेकर क्या हुआ है। मौसम अच्छा बना है, बारिश वाला, अल्लाह करे हो जाए इधर। यार दिल ना चाहते हुए भी आ गए, यार जिम से तो वापस निकले, अभी इतनी ज़्यादा जिम नहीं लगाई यार, 5-5 मिनट बस सारी मशीनें लगाई हैं, ठीक है, और ज़्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था, जो सच्ची बात बताऊँ। खैर अभी जाते बैटरी लेते, बैटरी डालते मोटरसाइकिल पे और फिर देखते। बैटरी सही फिट होगी भाई, अभी सेल्फ मार के चेक करते क्या हो गया है। यार खैर मोटरसाइकिल तो ठीक हो गया है, तो खाली इशारे रह गए, वो कल करवा लूँगा। बाकी ये कि बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखना, ठीक है।